हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस। दोस्तों, प्रेगनेंसी का टाइम हर गर्भवती महिला के लिए अनोखा और प्यार भरा होता है। ऐसे में महिला को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए महिला को अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मौसम के बदलाव के साथ गर्भवती महिला को अपना अच्छे से केयर करना चाहिए, ताकि बदलते हुए मौसम का प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर ना पड़े। साथ ही गर्भवती महिला भी पूरी तरह से स्वस्थ रहे। साथ ही सर्दियों के मौसम में बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सर्दियों के इस मौसम में गर्भवती महिला को किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन्हें अपनी केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहला है दोस्तों, सर्द हवा से बचें। सर्दियों के मौसम में अक्सर ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, जो कि गर्भवती स्त्री को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ठंडी हवा से बचने के लिए आप अपने पैरों को ढक कर रखें, और जब भी घर से बाहर जाएं तो गर्म कपड़े पहनकर ही जाएं, ताकि आपको सर्द हवा से कोई नुकसान ना पहुंच सके। दूसरा है दोस्तों, गर्म दूध के साथ केसर का सेवन। सर्दियों में अगर आप गर्म दूध के साथ केसर का सेवन करती हैं, तो यह आपकी बॉडी को गर्म रखता है और साथ ही भरपूर एनर्जी भी देता है। तीसरा है दोस्तों, अपने भोजन में प्रोटीन युक्त आहार शामिल करें। सर्दियों के मौसम में गर्भवती महिला को प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे अंडा, सोयाबीन, दूध, दाल, साथ ही हरी साग सब्जियों को भी अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन करने से गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास भी अच्छे से होता है। चौथा है दोस्तों, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। सर्दियों के मौसम में हमें प्यास बहुत ही कम लगती है, जिस कारण हम पानी भी कम पीते हैं और हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। और अगर सर्दियों के मौसम में आप पानी कम पीती हैं, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पिएं। नेक्स्ट है दोस्तों, बासी खाना खाने से बचें। प्रेगनेंसी में बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और सर्दियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए लोग सर्दियों में वही खाना खा लेते हैं, और बासी खाना खाने से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, सर्दियों में आपको अपनी स्किन का भी अच्छे से ख्याल रखना है। सर्दियों में स्किन में रूखापन आना आम बात है, इसलिए आप अपनी स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए मॉइस्चराइजर का यूज करें। ऐसा करने से आपकी स्किन को पोषण मिलेगा और प्रेगनेंसी में भी आपकी स्किन सॉफ्ट और मुलायम बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये वो कुछ खास टिप्स थे जिनका ध्यान गर्भवती महिला को सर्दियों के टाइम पर रखना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे नन्हे बेबी का अच्छे से विकास हो सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।